हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यतिन। स्वागत है आप सभी का आपके ही इस यूट्यूब चैनल रिलफेन यतिन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस के बारे में आज यह है कितना विशाल रूप धारण कर चुका है और कितने ही लोगों को इसने ग्रसित कर दिया है और कितने ही इसने जाने ले चुका है। इससे रिलेटेड जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, 22 मार्च को यानी कि कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है, जो कि सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक रहेगा। इस समय ना तो कोई अपने घरों से बाहर निकलेगा, ना ही कोई कुछ काम करेगा, ना ही बाहर क्या हो रहा है ये देखने जाएगा। जनता कर्फ्यू से रिलेटेड आपसे जानकारी मैं बताना चाहूँगा कि इस जनता कर्फ्यू का भारतीय रेलवे पर क्या असर पड़ा है। भारतीय रेलवे पर जनता कर्फ्यू का असर यह पड़ा है कि मैंने IRCTC के ऑफिशियल जो साइट है उस पर देखा था कि 22 मार्च को ट्रेनें बंद नहीं रहेंगी। यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ट्रेनें पहले से ही ओरिजिनेट हो चुकी हैं वह ट्रेनें बंद नहीं रहेंगी। इस दिन आपको सारे ऑन बोर्ड बंद रहेंगे, जिस जो भी ट्रेन की सर्विसेज हैं, कैटरिंग सर्विसेज हैं, फूड सप्लाइंस की सर्विसेज हैं, वो सब कुछ बंद रहेगा। जो ट्रेनें पहले से ही ओरिजिनेट हो चुकी हैं और जिनको अपने गंतव्य तक नेक्स्ट डे या फिर 23rd of March को पहुँचना है या फिर 22nd March को पहुँचना है, वह ट्रेनें बंद नहीं रहेंगी। जिन लोगों को लग रहा था कि ट्रेनें बिल्कुल बंद रहेंगी, हाँ बंद तो रहेंगी, लेकिन जो ट्रेनें पहले से चालू हैं वो बंद नहीं रहेंगी। जो ट्रेनें 22 मार्च को ओरिजिनेट होंगी, यानी कि जो ट्रेनें 22 मार्च को अपने स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर निकलेंगी, वह ट्रेनें बंद रहेंगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको एक छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब बटन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और जनता कर्फ्यू का पालन करें। बस आपसे यही कहना चाहूँगा और उम्मीद करते हैं कि हमारे देश से कोरोना जल्दी से जल्दी चला जाए। थैंक यू दोस्तों।